हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरे सागे वाले प्याज की सब्जी। तो फ्रेंड्स, मैंने हरे प्याज को साफ़ कर लिया है, धुल के काट के। इसके जो पीछे साइड में जो जाल टाइप की होती है, जो जड़ें लगी होती हैं, उनको भी धुल के साफ़ कर लिया जाता है। उसमें मिट्टी फंसी होती है, नहीं तो जो सब्जी बनाएंगे उसमें किसकिसाहट आ जाएगी। तो उसको भी साफ़ कर लिया है मैंने धुल के, और अब मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई को गर्म कर लूँगी और उसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा को चटकने देंगे और थोड़ा सा लाल होने देंगे। लाल होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और गार्लिक। जो भी इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ग्रीन चिली और गार्लिक को थोड़ी देर हम पकने देंगे। इसके पकने के बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे और इसके पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। अब आलू को हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और इसको 50% कुक कर लेंगे। आलू कुक हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 स्पून सॉल्ट, सॉल्ट तो आप स्वाद अनुसार यूज कर सकते हैं, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 मिनट और कुक कर लेंगे। ये कुक हो चुका है, अब इसमें हम सागा वाला ऑनियन ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसे प्लेट से ढक देंगे। अब कुक करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुका है, तो अब एक बार प्लेट हटा के हम इसे दोबारा से चला लेंगे। इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे क्योंकि ये जो सागा वाला प्याज है अभी कुक नहीं हुआ है। अब देखिए, सब्जी बिल्कुल गल के रेडी हो चुकी है, एकदम पूरी तरीके से कुक हो चुका है। अब इसमें हम 1 स्पून सब्जी मसाला ऐड कर देंगे ताकि ये और भी यम्मी और टेस्टी हो जाए। मसाला डालने के बाद हम बहुत ही कम कुक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कुक ही हो चुका है, तो 1 मिनट इसे कुक कर लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो चला जाए, और उसके बाद ये हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। सब्जी हमारी हो गई है रेडी, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये रही हमारी सब्जी जो रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।